हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोसी स्टडी। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप इंटरमीडिएट में एडमिशन लेने के लिए इनविटेशन लेटर कैसे डाउनलोड करें। तो इसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है ऑफिशियल वेबसाइट पर, ofssbihar.in पर। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं, यहां पर आपका मेन साइट ओपन होता है। यहाँ से आपको इस 3 डॉट पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको आ जाना है नीचे स्टूडेंट लॉगिन में। स्टूडेंट लॉगिन को आप जैसे ही टच करेंगे तो आपका जो है एक नया पेज खुलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंटरमीडिएट में नामांकन हेतु आवेदन करने वाले आवेदक का क्लिक करके लॉगिन करें। मतलब यहाँ से जो है जो भी स्टूडेंट आवेदन किए हैं अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करेंगे। हम यहाँ पर लॉगिन हो जाते हैं। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है यूज़र आईडी, पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा आपको डालना है। यूज़र आईडी और पासवर्ड डाला हुआ है, हम यहाँ पर कैप्चा डाल लेते हैं 16 3582 3582। यहाँ से आपको आगे बढ़ना है। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं, यहाँ पर जो है पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ से आपका जो है जितना भी कॉलेज में अप्लाई किए थे वो सारा दिखाएगा, आपने किस कॉलेज से अप्लाई किए हैं। अब आते हैं कि आखिर आप जो है इनविटेशन लेटर डाउनलोड करेंगे तो कहाँ से डाउनलोड करेंगे। इसके लिए आपको यहाँ पर आ जाना है। मेन पेज पर आने के बाद यहाँ पर साइड में आपको 3 डॉट दिख रहा है, यहाँ पर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपका जो है और नीचे आ जाइए, तो यहाँ पर डाउनलोड इनविटेशन यहाँ पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको जो है लेटर डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो है जो भी इन्फॉर्मेशन है आप इसे अच्छे तरीक़े से पढ़ लीजिए। और यहाँ पर नीचे आ जाते हैं हम, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आखिर इस स्टूडेंट का किस कॉलेज में नामांकन के लिए आया है लिस्ट में नाम, तो वह यहाँ पर आपको दिखा देगा। आपने जो फर्स्ट चॉइस दिए होंगे लगभग लगभग वहीं आया होगा। तो आप फर्स्ट चॉइस में जो कॉलेज का नाम आता है पहले आप उसमें एडमिशन ले लें। उसके बाद यदि आप चाहते हैं स्थानांतरण करने के लिए तो उसके बाद आप स्थानांतरण कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट कंपार्टमेंटल रिजल्ट आने के बाद अप्लाई किए हैं उसका प्रथम सूची में नाम नहीं आया होगा, उसका सेकेंड मेरिट लिस्ट जब जारी किया जाएगा उसमें नाम आ जाएगा। या फिर जो स्टूडेंट अभी तक अप्लाई नहीं किए हैं उसका एडमिशन अब एस्कॉर्ट एडमिशन में होगा, उसके थ्रू जो है आप एडमिशन करवा सकते हैं, उसका भी डेट आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और यहाँ पर आप जो है निर्देश को अवश्य पढ़ लें। इस निर्देश को, इसमें बहुत सारा चीज़ ऐसा पॉइंट है जो कि आप नहीं समझ पाए होंगे, तो यहाँ पर आपको जो है अच्छे तरीके से पता चल जाएगा। और यहाँ पर नोट अवश्य ज़रूर पढ़ लें, जैसे कि प्लस टू विद्यालय महाविद्यालय को सूचित किया जाता है कि सूचना पत्र लेटर पर अंकित बार कोड का मिलान अवश्य कर लें, तो यह कॉलेज जो है मिलान करेगा। यदि आपको किसी भी तरह का दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं। और यहाँ से आप इनविटेशन लेटर को डाउनलोड करके आपको इसे प्रिंट करवा लेना है। और आप जब एडमिशन करने के लिए जाएंगे तो वहाँ पर कॉलेज में आपको इसे जमा करना होगा। तो इस तरह से आप इनविटेशन लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड मेरिट लिस्ट भी बहुत जल्द आने वाला है, तो उसका भी हम जानकारी अभी ही दे देते हैं। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं, इंटर में नामांकन के लिए आज जारी होगा मेधा सूची। तो मेधा सूची जारी हो गया है और यहाँ पर आपको बता दें कि 15 जून को दूसरी मेधा सूची जारी किया जाएगा। 15 जून को दूसरी मेधा सूची जारी किया जाएगा, उसके बाद तीसरा मेधा सूची जारी करने की तैयारी चल रही है। तो वहाँ पर जो है छात्रों को 20 कॉलेज का विकल्प मिला था चूज करने के लिए, जिसमें वह नामांकन ले सकते हैं। तो दूसरा सूची 15 जून को जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर भी आपको ये भी जानकारी मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बात और इसमें है कि कंपार्टमेंटल बोर्ड अध्यक्ष ने कहा कि कंपार्टमेंटल परीक्षा में छात्र जो सफल हुए हैं इंटर में नामांकन का मौका मिलेगा उनको, उनको दूसरी मेधा सूची में शामिल किया जाएगा। जो भी कंपार्टमेंटल रिजल्ट आने के बाद जैसे कि बताया कि एडमिशन के लिए अप्लाई किए थे तो उसका दूसरी मेधा सूची में नाम आएगा। प्रथम मेधा सूची पहले ही तैयार हो चुकी थी इसलिए वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर वो जो बच गए हैं स्टूडेंट उसका जो है स्कॉर्ट एडमिशन के थ्रू
उसका ऑनलाइन अप्लाई अलग होगा, तो उसका भी डेट निकाला जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले इस तरह से नए अपडेट्स पाने के लिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।